नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारी YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज मैं रिव्यू देने जा रहा हूँ डाबर के गुलाबरी मॉइस्चराइजिंग कोल्ड क्रीम का। और साथ ही साथ जो ये डाबर की कई प्रोडक्ट है, ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, इसको इंडिया में ही बनाया जाता है, साथ ही साथ इंडिया में ही प्रोडक्शन भी किया जाता है। और डाबर बहुत ही जानी माना प्रोडक्ट बनाता है, बहुत ही ब्रांडेड ये कंपनी है। तो दोस्तों इस क्रीम के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, साथ ही साथ मैं इसके इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगा, इसका क्या है बेनिफिट, किस तरह से आपको इसको यूज़ करना है और ये क्या काम करती है आपको स्किन पे। तो दोस्तों दूसरी तरफ यहाँ पे रखा हुआ है पाउंड्स का वाइट ब्यूटी क्रीम। तो दोस्तों ये पाउंड्स का वाइट ब्यूटी क्रीम है जो कि स्पॉटलेस फेयरनेस डे क्रीम नॉर्मल स्किन, मतलब ये नॉर्मल स्किन के लिए खास तौर पर बनाई गई है। और इसकी मैं पूरी जानकारी दूंगा किस तरह से आपको इसका यूज़ करना है, इसका क्या बेनिफिट है और इसको किस तरह के लोग यूज कर सकते हैं और कब कब यूज कर सकते हैं, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं, इसका क्या है बेनिफिट और इसके साइड इफेक्ट, तो इसकी पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही साथ इन दोनों के बारे में कंपैरिजन भी करूंगा और पूरी डिटेल देने की पूरी तरीके से मैं कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भूले, ताकि आने नेक्स्ट वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। तो दोस्तों शुरू करते हैं रिव्यू को। दोस्तों ये पाउंड्स का व्हाइट ब्यूटी क्रीम है जो कि स्पॉटलेस फेयरनेस देता है, साथ ही साथ इसको जो है ड्राई ड्राई स्किन वाले लोग कर सकते हैं, साथ ही साथ ऑयली स्किन वाले लोग भी हैं तो भी इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस ये जो क्रीम है ये तुरंत ही फेयरनेस देता है आपकी स्किन पे। जो एक्ने पिंपल या झुर्रियां जैसे दाग धब्बे होते हैं तो वो उनको छुपा देता है। दोस्तों ये फेयरनेस देता है लेकिन बस थोड़ी देर के लिए देता है, जैसे कि इस क्रीम को जो है आप किसी शादी पार्टी फंक्शन या बाहर जाने से पहले लगा लेंगे तो आपका चेहरा थोड़ा सा ग्लो करने लगता है और आपकी स्किन पे एक नए तरह की ऊर्जा आने लगती है, आपकी स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग करने लगता है। आप इसको रोजाना तौर पर यूज़ करेंगे तो साथ ही साथ आपकी स्किन जो है धीरे धीरे वाइटनिंग आने लगेगी और आपकी स्किन पे जो अन्य प्रकार की प्रॉब्लम है वो भी दूर होने लगेंगी। दोस्तों आप किसी शादी पार्टी फंक्शन में जाना तो आप इसका यूज कर सकते हैं, नॉर्मल तौर पर इसका यूज बच्चे बूढ़े एडल्ट तीन हर तरीके के लोग कर सकते हैं, वो चाहे लेडीज हो या फिर जेंट्स हो। तो दोस्तों इसका यूज हर तरीके के लोग कर सकते हैं, इसका कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट भी नहीं है और ये जो है आप अपने चेहरे को गोरा करने के तौर पर कर सकते हैं, ये आपके चेहरे से इतने पिंपल्स या झुरन जहन जैसी समस्याओं को नहीं हटाता है। आप किसी शादी पार्टी फंक्शन में जाते हैं तब लगा लेते हैं तो ये उसको छुपा देता है, ना कि उसको जड़ से ख़त्म करता है। तो टेम्परेरी तौर पर ये आपको फेयरनेस देता है, ना ही आपको जो है प्राकृतिक गोरापन देता है। तो दोस्तों आप इसका यूज केवल शादी पार्टी फंक्शन में कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 23 ग्राम का पैक है जो बिल्कुल आसानी से मार्केट में आपको 67 रुपीज़ में मिल जाता है। तो दोस्तों इसके मैं पूरी डिटेल दे दिया हूँ, अब मैं इसकी कंपैरिजन डाबर गुलाबरी से करूंगा। पहले मैं इसकी पूरी जानकारी दे दूं तो ये न्यू डाबर गुलाबरी का मॉइस्चराइजिंग कोल्ड क्रीम है। दोस्तों आप इसका यूज़ खास तौर पर ठंडियों में कर सकते हैं जब आपके स्किन पे खुरदरापन आ सकता है, और आप अपनी स्किन पे इसको रोजाना तौर पर यूज़ कर सकते हैं जिससे आपका जो स्किन रहेगी ऑयली रहेगी हल्का हल्का, क्योंकि ठंडियों में आपकी स्किन जो है खुरदरी हो जाती है तो उसको मॉइस्चराइज रखेगी, साथ ही साथ आपकी स्किन में ग्लोइंग आएगा। और इसमें जो है रोज़ का यूज़ किया गया है जो कि टेम्परेरी तौर पर आपकी स्किन पर जो है ग्लोइंग पहुँचाती है। और जो ये मेड इन इंडिया कंपनी है इसको जो है डाबर की कंपनी बनाती है जो कि 44 रुपीज़ में 30 ml के पैक में आपको बिल्कुल आसानी से किसी भी मेडिकल शॉप या ब्यूटी शॉप पे मिल जाता है। तो दोस्तों यह खास तौर पर बहुत ही अच्छी क्रीम है और इसका यूज जो है बच्चे उड़ेडल तीन हर तरीके के लोग कर सकते हैं, इसका यूज आप चाहे जब कर सकते हैं, चाहे ठंडी हो गर्मी हो बरसात, लेकिन खास तौर पे आप इसका यूज ठंडियों में ही करें। लेकिन दोस्तों आप इसका यूज़ करने के बाद शादी पार्टी फंक्शन में ही जा सकते हैं, ये आपके चेहरे को गोरा नहीं करता केवल आपके चेहरे को मॉइस्चराइज करता है। तो दोस्तों ये कोल्ड क्रीम के तौर पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ना ही फेयरनेस के तौर पे। तो दोस्तों आप इसका रोजाना तौर पे भी करते तो आपकी स्किन जो है ग्लोइंग करेगी, साथ ही साथ जो आपकी स्किन ड्राई रहेगी और आपकी स्किन जो है मॉइस्चराइज बनी रहेगी। तो दोस्तों इन दोनों में कंपेरिजन में क्या खास, आप किसी शादी पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं पाउंड्स वाइट ब्यूटी का, और लेकिन यदि आप ठंडियों में यूज करना चाहते हैं तो ठंडियों के लिए डाबर का गुलाबरी बेहतर होगा, और गर्मियों में और शादी पार्टी फंक्शन में पाउंड्स वाइट ब्यूटी आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इन दोनों का कंपैरिजन हो गया है, इन दोनों का मैंने प्राइस बता दिया है क्या और क्वांटिटी भी बता दिया, तो दोनों दोनों ही बेस्ट क्रीम है, आप इन दोनों का ही यूज कर सकते हैं, एक आप ठंडियों में शादी पार्टी फंक्शन में, दूसरे का आप गर्मियों में कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो को पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भूलिए, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।